गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.4, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये सिमिलर है जो हमने 2.3 में किया था। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज एक्स प्लस वन फैक्टर। आपको ये फोर पॉलिनोमियल्स गिवन है, फोर पार्ट्स में आपको ये चेक करना है एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, वो यहाँ पुट करेंगे। अगर जो पॉलिनोमियल ज़ीरो बन जाएगा, दैट मीन्स दिस इज अ फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल, और अगर ज़ीरो नहीं बना तो नॉट अ फैक्टर हो जाएगा। तो एक्स प्लस वन चेक करना आपको ये चारों पार्ट में। फर्स्ट वन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो डिवाइजर क्या है हमारे पास, एक्स प्लस वन, पुट दैट इक्वल टू ज़ीरो, वी गेट द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वन। अब ये जो वैल्यू आई है ये आपको इस पॉलिनोमियल में पुट करनी है। इसको पी एक्स मान लिया हमने, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। यहाँ पर हमने एक्स की जगह क्या पुट किया, माइनस वन, माइनस वन का क्यूब माइनस वन, स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन। तो ये आपकी टू माइनस टू हो गई, कंप्लीट कैंसिल हो गया, जीरो आ गया रिमाइंडर। सो एक्स प्लस वन इज़ द फैक्टर ऑफ पी एक्स। नाउ सेकेंड पार्ट इसी तरह है, थर्ड भी, फोर्थ थोड़ा डिफरेंट वन है, उसको देखते हैं। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल है आपका एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू एक्स प्लस रूट टू। तो आपका यहाँ पर डिवाइज़र वही है जो हमारा चल रहा है एक्स प्लस वन, चारों पार्ट के लिए सेम है। तो x प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, दिस एम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस वन। अब आपको क्या करना है, जो पॉलिनोमियल गिवन है वहाँ x की जगह माइनस वन पुट करना है, माइनस वन का क्यूब या माइनस वन का स्क्वायर, या x की जगह पुट करेंगे हम माइनस वन। ये माइनस वन और ये माइनस बन जाएगा आपका प्लस रूट टू एज इट इज़। माइनस वन का क्यूब नेगेटिव, माइनस वन का स्क्वायर पॉजिटिव, पर आगे माइनस था इसलिए नेगेटिव आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको कैंसिल किया हमने, टू और माइनस टू कैंसिल, रूट टू प्लस रूट टू कितना हो जाएगा, टू रूट टू। इट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज एक्स प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। अगर ज़ीरो आ जाए वैल्यू पुट करने पर तो ये फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। यूज अ फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स और नॉट। आपको ये चेक करना है जी एक्स इसका फैक्टर है या नहीं। तो ये फैक्टर थ्योरम दे रखी है, कोई भी पॉलिनोमियल है, पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन, यानी जिसकी डिग्री वन या वन से ज़्यादा है, ये कोई भी रियल नंबर है। एक्स माइनस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ़ पी ऑफ ए ज़ीरो, यानी अगर आपका यहाँ डिवाइजर से एक्स की जो वैल्यू निकालते हैं वो पुट करने के बाद ये ज़ीरो आ जाए, देन इट इज़ अ फैक्टर, एंड इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो देन इट इज़ नॉट अ फैक्टर। तो वही चेक करना आपको, यहाँ पी एक्स और जी एक्स दो पॉलिनोमियल दिए गए हैं, तो जी एक्स डिवाइज़र है, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल के पी एक्स में पुट करेंगे और चेक करेंगे कि ये ज़ीरो है या नहीं। तो जैसे फर्स्ट वन है पी एक्स, ये गिवन है आपको, जी एक्स गिवन है एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। ये कहाँ पुट करना है, पॉलिनोमियल में, जहाँ पर भी एक्स है वहाँ माइनस वन पुट करना है। क्यूब है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये बन गया आपका वन प्लस टू थ्री, या माइनस टू और माइनस वन भी बन गया माइनस थ्री, तो थ्री माइनस थ्री ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज एक्स प्लस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। इसी तरह यहाँ एक्स प्लस टू भी चेक करना है, सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे को एक्स माइनस थ्री की वन है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी थ्री। पॉलिनोमियल में एक्स की वैल्यू जहाँ पर भी एक्स है वहाँ थ्री पुट करना है, ये आ जाएगा आपका 36 माइनस 36, दैट इज़ ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस थ्री इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x माइनस वन इज़ अ फैक्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इन चारों पार्ट में x माइनस वन इसका फैक्टर है। ये गिवन है आपको k की वैल्यू निकालनी है, ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब रिमाइंडर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। कोई अगर फैक्टर होता है तो रिमाइंडर क्या हो जाता है, ज़ीरो। तो हमारे फर्स्ट पार्ट में है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, के की वैल्यू निकालनी है। एक्स माइनस वन इसका फैक्टर है, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स की वैल्यू आ गई हमारी वन, ये पॉलिनोमियल में पुट की। पी ऑफ वन ज़ीरो क्यों होगा, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, बिकॉज एक्स माइनस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स।
कोई अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या हो जाता है, ज़ीरो, रिमाइंडर हो जाएगा ज़ीरो। तो x की वैल्यू यहाँ वन पुट की, वन प्लस के इज इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब टू प्लस के इक्वल टू ज़ीरो, के की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस टू। सेम यहाँ पर करना है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी वन, पी ऑफ वन यहाँ जहाँ पर भी x है वहाँ वन पुट किया, उसको इक्वल टू में क्या रखना आपको ज़ीरो। तो k की वैल्यू निकालनी है, यहाँ आ गया k प्लस टू प्लस रूट टू इक्वल टू ज़ीरो, तो राइट पर ले जाएंगे तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस टू माइनस रूट टू, माइनस कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पर, ये हो गया टू प्लस रूट टू। तो k की वैल्यू निकालनी थी, रिमाइंडर को क्या रखना है ज़ीरो। इसी तरह ये हमारा थर्ड और फोर्थ पार्ट है, यहाँ की x जो भी आपका डिवाइजर गिवन है पुट दैट इक्वल टू ज़ीरो, x की वैल्यू वन पुट करनी है पॉलिनोमियल में और इसको रखना है इक्वल टू ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो रखते ही हमारी k की वैल्यू आ जाएगी। ये हैं इसके फोर पार्ट्स, ये थे 2.2 के फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन, कल करेंगे फोर्थ और फिफ्थ। कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछना, थैंक यू।